हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एकदम चटपटी और क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैंने लेफ्टओवर ब्रेड से बनाया है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इसे कैसे बनाया है बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसके लिए मैंने गैस पर पैन को चढ़ा दिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जो है हमारा अच्छे से चटक गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे। अब इसमें हम 1 छोटे साइज के प्याज को बारीक कट करके रखा है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। प्याज हमारा हल्का सा भुन गया है। अब इसमें हम 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और 3 से 4 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। हम इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ हमें उतना ही भूनना है ताकि इसका कच्चापन जो है दूर हो सके। सब्जियां जो है हमारी भून गई है। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक 1/2 छोटा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर, इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच गर्म मसाला डालेंगे। गैस के फ्लेम को हम कम कर देंगे और इसे हम धीमी आंच पर मसालों को अच्छे से भूनेंगे। आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर, बीन्स, कैबेज और पनीर को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपके पास में जो भी सब्जियां हो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। यदि आपके पास में आमचूर पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। सारे मसालों को हम एकदम धीमी आँच पर भूनेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। तो मसाले जो हैं हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब यहाँ पर मैंने 5 से 6 मीडियम साइज के आलू को उबालकर मिक्स करके रखा था। अब इसे भी हम इसमें डाल देंगे। आलू थोड़ा हमारा हार्ड हो गया है, मैंने इसे फ्रिज में रखा था, इसलिए आलू जो है हमारे थोड़े हार्ड हो गए हैं। कोई बात नहीं, इसे जब हम भूनेंगे तो यह सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए आलू को भी हम मसाले के साथ में अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा आलू का मसाला जो है बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने देते हैं। अब इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए घोल बनाएंगे। तो घोल हम मैदे से बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, इसे हम डाल देते हैं। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, एक बार में पूरा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो इसमें लंप्स पड़ जाएंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हम तब तक मिलाएंगे जब तक इसमें से सारी गुठलियां खत्म ना हो जाए। इसका घोल जो है हमें ज्यादा पतला नहीं करना, थोड़ी गाढ़ी ही रखनी है। इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। घोल हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हम ध्यान से ही डालेंगे क्योंकि मैंने मसाले में भी नमक डाला था। अब इसमें हम 1 पिंच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच मिर्ची का पाउडर डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा कलौंजी भी डालेंगे। इन सभी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि घोल हमारा जो है एकदम परफेक्ट है। घोल को हमें इसी तरह रखना है और यह चम्मच के ऊपर में कोट भी हो रहा है। अब इसे हम एक साइड में रखते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 8 पीस ब्रेड ली हूँ। ब्रेड के सबसे पहले हम साइड को निकाल देंगे। इस किनारे को आप फेंकिएगा नहीं, इसे आप बाद में ब्रेड क्रम्स बना के किसी भी नाश्ते में यूज कर सकते हैं। तो ब्रेड के साइड को मैंने निकाल दिया है। अब एक एक ब्रेड लेंगे और इसे हम बेलन से हल्का दबाते हुए इसे हम बेलेंगे। इसे हम ज़्यादा दबा कर नहीं बेलेंगे और इसी तरह से हम सारे ब्रेड को बेल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। तो सारे ब्रेड को मैंने बेल कर रख लिया है। अब एक ग्लास लेंगे और ग्लास से हम ब्रेड को गोल गोल काट लेंगे। यदि कटर हो तो कटर से भी काट सकते हैं। तो इसी तरह सारे ब्रेड को हम गोल गोल काट करके निकाल लेते हैं। तो सारे ब्रेड को मैंने कट करके रख लिया है। अब एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा चिली सॉस और थोड़ा सा टमाटर सॉस लिया है। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ब्रेड के ऊपर इसे लगाएंगे। अब जो मैंने आलू के मसाले बनाए थे उसे भी हम थोड़ा सा लेंगे और ब्रेड के ऊपर चारों तरफ से फैला देंगे। दूसरे ब्रेड के पीस को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और इसे हम हल्के हाथों से दबा देंगे। साइड साइड में जो मसाले निकले हुए हैं उसे भी हम भीतर की ओर अच्छा से लगा देंगे।
इसी तरह से हम सारे ब्रेड तैयार कर लेंगे। तो सारे ब्रेड को मैंने तैयार करके रख लिया है। अब जो घोल मैंने रखा था उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक एक ब्रेड को उठाएंगे और इसमें हम डिप करेंगे। इसे हम इसमें ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारे ब्रेड जो है टूट भी सकते हैं। कढ़ाई में मैंने पहले ही तेल को गर्म करने चढ़ा दिया था और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे। अब इसके ऊपर हम हल्का हल्का गर्म ऑयल को डालेंगे ताकि यह दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्पी हो सके। अब इसे हम सुनहरा होने तक दोनों तरफ से पकाएंगे। अब इसे हम पलट लेते हैं। देख सकते हैं कि हमारा दोनों तरफ से सुनहरा हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता जो है बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि यह कितने क्रिस्पी बने हैं और यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप हरी चटनी या टमाटर सॉस या केचप के साथ में खा सकते हैं। बच्चे बहुत पसंद करेंगे। यदि आपको हमारी यह रेसिपी आज की अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा।